कंफर्म किया राजा रियाज साहब ने रईस एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है, लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा है। हमारे बैक बेंचर्स को बुला बुला के बातचीत की गई, उनकी मीटिंग्स की गई और वो सबसे पहले वो लोटा हुए। मेरे इधर के बैठे हुए साथियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उस अदम बाद में अगर कोई रावल दस्ता था तो ये इधर बैठे हुए मेरे दोस्त हैं। जनाब स्पीकर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, इस कुर्सी में आपको बिठाने में हमारा भी खून शामिल है, नहीं शायद इस पे असर कैसर बैठा होता। फिर ये भी कहा कि भाई जो इस तरह से अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो इस वक्त आपका जो सियासी फायदा उठाने के बाद आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेगा, आपकी जिल्लत होगी। ये उस वक्त क्लेम था फाक्सन तरीके साहब का, आज राजा रियाज साहब ने इस क्लेम को भी कंफर्म कर। आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी जमीर जाग गया और मैंने फैसला किया चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आपने अपने आप को बेचा है, आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। राणा तनवीर साहब मौजूद हैं, और भी लोग वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं, उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। इसी तरह